जब बात इंसाफ की होती है तो कांग्रेस का अद्भुत चरित्र देखिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संसद में बिल पेश किया और कहा कि अगर सिख समुदाय के लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान में फंसे हों, उनको हिंदुस्तान लौटना हो, तो उनकी सिटीजनशिप की व्यवस्था, उनके संरक्षण की व्यवस्था हिंदुस्तान करेगा। कांग्रेस पार्टी ने उसका भी विरोध किया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का यह गौरव है कि प्रधानमंत्री जी की सरकार ने देवी शक्ति नामक एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और अफगानिस्तान से 155 सिखों को हिंदुस्तान संरक्षित करके अगर किसी ने लौटाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लौटाया। जब कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में तो पंजाबियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप मात्र 15 लाख के आसपास, मोदी की सरकार आई तो 30 लाख से ज्यादा पंजाबी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी। जो वो 50 साल ना कर सके वो भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में कर दिखाया। इसलिए सवाल एक और उठता है, अगर ये मुमकिन है मोदी के लिए कि वो पंजाब में गरीबों के लिए 1 लाख से ज्यादा मकान बनाकर गरीबों को हस्तांतरित करवाएं, अगर यह मुमकिन है मोदी के लिए कि दरबार साहब के लिए FCRA का जो बार बार हर पंजाबी ने मांग उठाई कि हम सेवा देना चाहते हैं भले विदेश बैठे हों, FCRA का रजिस्ट्रेशन दे दो, अगर ये मोदी कर सकते हैं, अगर पंजाब में 780 से ज्यादा अस्पतालों में 40 लाख पंजाबियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सालाना 5 लाख रुपए की मदद अगर मोदी दिलवा सकते हैं, सवाल ये उठता है इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कर पाई। लेकिन मुमकिन तब होगा जब आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और विक्रम जी को जिताएंगे। हर उस नागरिक के लिए जिसने अपने बैंक के खाते में सीधा भारत की तिजोरी से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई ना कोई ग्रांट पाई है, ये वोट उस परिवार के लिए है जिसे पार्टीशन के बाद पहली बार हिंदुस्तान में अपने अधिकारों को पाया है, ये वोट हर उस व्यक्ति का है जिसने NHAI के कामों को बढ़ते देखा है, सिंचाई के कामों को और सुदृढ़ होता देखा है, जिसने नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से पंजाब और भारत के नवनिर्माण में एक अमिट छाप छोड़ी है, एक अहम भूमिका निभाई है। और वैसे भी विकास की जब बात करते हैं तो वो लक्ष्मी स्वरूपा जैसी दिखती है और लक्ष्मी का स्वभाव है, लक्ष्मी जब घर आती है तो किसी का हाथ पकड़कर नहीं आती, लक्ष्मी जब आती है तो झाड़ू भी नहीं लगाती, लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। इसलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना तो कमल का बटन दबाना है, विकास रूपी लक्ष्मी को आप घर ले आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और विक्रम जी को अपना विधायक बनाएंगे।